हम में से अक्सर लोग घरों में प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इन पर ज़िद्दी दाग धब्बे रह जाते हैं जो देखने में बहुत ही बदनुमा लगते हैं और इनकी वजह से नए बर्तन भी पुराने जैसे लगने लग जाते हैं। इसके अलावा अमन में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने की वजह से उन पर भी निशान बन जाते हैं। डेली जो कप हम चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जितना मर्जी भी उनको डीप क्लीन कर ले, लेकिन उनके किनारों पर इस तरीके से पीलापन रह जाता है। आज इन्हीं सब बर्तनों को साफ़ करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टोटका लेकर आई हूँ, जिसमें पानी में सिर्फ एक चीज़ मिलाएंगे और बर्तन इतने साफ़ सुथरे हो जाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगी। इसके अलावा स्टील का मग जो डेली पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके किनारों पर भी साबुन इस तरीके से जमा हुआ रह जाता है। तो सभी बर्तनों को आज सिर्फ इस पानी के साथ हम साफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। एक खुले से बर्तन में आपने पानी ले लेना है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग सोडा। मेक श्योर कर लेना है कि बेकिंग सोडा ही इस्तेमाल करें, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है सल्फोनिक एसिड, काला तेल। ये जहाँ पर सरफ और साबुन वगैरह बनते हैं वहाँ पर ये इजीली आपको मिल जाएगा। इसका हमने सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है और इसी हाफ़ टेबल स्पून की मदद से आप चाहें तो पूरे किचन को साफ़ कर सकते हैं और यकीन करें इतने ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगी। 4 से 5 मिनट के लिए इस पानी में आपने उन प्लेटों को डिप कर देना है जिसको आपने साफ़ करना है, या वो बर्तन जिनको आप साफ़ करना चाहते हैं इस तरीके से पानी में डिप करके छोड़ दें। यकीन करें आपको रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, लेकिन 50% तक इसके जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही मसाज करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त प्लेट जो है वो हो गई। ये निशान जो मैंने आपको दिखाया था, ये भी सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपने एक दफ़ा ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट कौन सी टिप आपके लिए लेके आऊँ और किस तरीके से वीडियोस आपको पसंद हैं। चाय वाला कप भी आप देख सकती हैं कि इसके किनारों पर कितना पीलापन था, लेकिन अब देखें बिल्कुल एकदम से साफ़ सुथरा हो गया, जैसे अभी हम मार्केट से लेकर आए हैं। इसी तरीके से ये मग भी मैं आपको साफ़ करके दिखाऊँगी और इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश से आप बर्तनों को ज़बरदस्त तरीके से साफ़ सुथरा कर सकते हैं और यकीन करें साफ़ बर्तनों को इस्तेमाल करने का अपना ही मज़ा है। खाना खाने में भी मज़ा आता है और पेश करने में भी मज़ा आता है। तो अपने बर्तनों को थोड़ी सी मेहनत से साफ़ करें और इंशाल्लाह आपकी सास भी अगर है तो वो ज़रूर खुश हो जाएगी कि आज तो मेरी बहू ने कमाल कर दिया है। तो ये टिप्स को आपने लाजमी अप्लाई करना है अपने बर्तनों पर और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।